जालौन से। जनपद जालौन पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया एक बड़ी चोरी का खुलासा। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जनपद जालौन के उरई शहर में नवंबर 9 से 10 की रात्रि में चोरों ने डॉक्टर अनिल अग्रवाल के घर को बनाया था अपना निशाना। चोरों ने एक बड़ी साजिश करते हुए अंतर जनपदीय साथियों के साथ मिलकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन जालौन पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 48 घंटे के अंदर माल के साथ चोरों को धर दबोचा और कामयाबी हासिल की। अभियुक्तों के पास से नकदी समेत 40 लाख रुपए का माल बरामद किया। जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि जालौन पुलिस बधाई के पात्र हैं और इस सराहनीय कार्य के लिए उनको इनाम देकर सम्मानित भी किया जाएगा। भैया लोग आए हुए थे तो भैया लोगों ने पूछा ये ताला नहीं पड़ा भाई, लोकल में पार्टी अटी में बोले अच्छा हाँ, ये लोग रुके हुए थे रूम, हमारे एक मित्र थे उनका रूम खाली था, तो हमने भी नहीं सोचा था कभी ये होगा, तो उनका रूम हमने दिला दिया। तो फैमिली तो रुकी नहीं, ये दो लोग रुके रहे तो ये लोग चले गए थे। बस इसके बाद जो पूछने लगे तो हमने हाँ हमने आए नहीं है, ताला पड़ा हुआ है, पहले लोकेशन दे देना, हमने लोकेशन दी तो रात में काम कर दिया उन लोगों ने, और 4 बजे फ़ोन किया मैंने कहा हूँ तो कहने लगे भाई मैं तो निकल गया, हमने काम पहले हो गया मैं निकल गया। बस सर इतनी बात थी। मतलब कितना माल निकाला था उन्होंने? भाई को पता है मुझे ओनली 12,000 रुपये दिए गए थे, वो भी पुलिस वालों ने जब्त कर लिए थे, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। कितने लोग थे आप लोग कुल मिला के? हम लोग तो फिलहाल 2 लोग हम और भाई लोग नहीं गए थे कहीं, और 4 लोग रूम के अंदर घुसे थे, हम दोनों को इसके सिवा कुछ लोकेशन दे रहे थे जी, ओनली हमारी 1 घंटा की सिर्फ लोकेशन दी हमने का, उसके बाद हम दूर दूर तक नहीं दिखे 4 बजे तक, और कोई बात नहीं है सर मेरे, इसी में बस मैं बिद गया हूँ सर। और पहली बार 9 और 10 की रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर गुप्ता, उनके घर में चोरी की घटना हुई थी, और थाना उरई और एसओजी और सवलांच की टीम ने काफ़ी अच्छा गुडवर्क किया है। 48 घंटे के अंदर में घटना का खुलासा सफलता के साथ करते हुए कुल 6 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनके पास से 100% बरामदगी की गई है, और बरामदगी में कुल लगभग 700 ग्राम के आसपास सोना है और 600-700 ग्राम के बीच में चांदी है, जिनकी पूरी कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा कैश भी कुछ रिकवर किया गया है, और ये 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इन 6 अभियुक्तों का नाम, एक का नाम आबिद खान है, दूसरा देवेंद्र रैकवार, तीसरा सनी रैकवार, चौथा गजेंद्र अहिरवार, पाँचवा धर्मेंद्र अहिरवार, छठा रवि याग्निक है, और ये लोग भिन्न भिन्न जनपदों के हैं। इसमें दतिया का भी व्यक्ति है, झांसी का भी व्यक्ति है, जालौन का भी है, और ये एक तरह से एक अंतर जनपदीय गैंग है, जिनके खिलाफ अन्य भी इनके कुछ अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक इतिहास मिला है, तो इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी इनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके आगे इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, और ये 100% बरामदगी के लिए और काफ़ी कम समय में 48 घंटे में चोरी जैसी घटना का अनावरण करते हुए 100% बरामदगी के लिए थाना उरई पुलिस और एसओजी सवलांस की पुलिस को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। सर किस तरीके से ये लोग घटना को अंजाम देते थे, क्या रेकी करते थे या फिर अन्य तरीके के इस्तेमाल करते थे? देखिए, इसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ का जो जनपद जालौन का रहने वाला है, उरई का रहने वाला है, वो पहले से उसने रेकी की, फिर इन लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद जो सामने वहाँ पर रहता भी था वो उसने, और उससे काफ़ी प्लानिंग के साथ और इसने इस स्ट्रैटजी के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। आप लोगों को संज्ञान में ये भी बताना मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुप्ता इस समय विदेश में इंडोनेशिया में संभवतः छुट्टी लेकर गए हुए थे और घर पर नहीं थे, और उस समय इन लोगों ने प्रॉपर रिकी करके उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है, और अब इनको पकड़ के जेल भेजा। सर सीसीटीवी कैमरे की कितनी मदद मिली है, क्या सीसीटीवी कैमरे की कितना महत्व रहा है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा इस घटना के इतनी जल्दी खुलने में, तेज़ी से खुलने में सीसीटीवी कैमरे का अहम रोल रहा है। उसमें हम लोगों ने फुटेजेज में कुछ लोगों के मूवमेंट पकड़े गए थे, उसी आधार पर इनकी जो है त्वरित पहचान हुई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई, और इस तरह से घटना में 100% बरामदगी भी हो पाई है। ग्रोह के सारे सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं? 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी अन्य इनसे और पूछताछ की जाएगी, डिटेल इंक्वायरी इनके बाकी पुराने घटनाओं की, इनके आपराधिक इतिहास की, इनके अन्य सदस्यों की, कैसे ये लोग और कहाँ कहाँ करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, वो उसमें आगे चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है। जालौन से अमित गौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।